करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 1, 2, 3 में दिया गया है, एक रिलेशन है जैसे एमनीसिया का मेमोरी से रिलेशन है, वही हमें बताना है पैरालिसिस का किससे रिलेशन है। जरा सोचिए एमनीसिया क्या है। एमनीसिया है इंसान की मेमोरी को लॉस हो जाना, मेमोरी लॉस होने को एमनीसिया कहते हैं। इट मींस पैरालिसिस किसके लॉस होने से होता है, इट मींस लैग के लॉस होने से नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर पैरालिसिस जो होता है जब इंसान की जो बॉडी है वो उसका मोमेंट बंद हो जाता है, इट मींस मोमेंट का लॉस को ही क्या कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहां से हमें वर्ड दिया है AFKP, जैसे इसका रिलेशन BGLQ से है ऐसे ही CHMR का रिलेशन किससे है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं इनमें रिलेट कैसे कर सकते हैं। तो A से B हुआ, इसका मीनिंग +1 हुआ, नेक्स्ट लेटर लिया गया है। F से G हुआ तो यहां पर भी नेक्स्ट लेटर लिया गया है। K से L हुआ, नेक्स्ट लेटर लिया है। इसी तरह P से Q हुआ, यहां पर भी नेक्स्ट लेटर लिया गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि AFKP में और BGLQ में कैसे रिलेट किया गया है कि नेक्स्ट लेटर लिया गया है। तो यदि हम इसमें CHMR में नेक्स्ट लेटर लेते हैं तो C के बाद नेक्स्ट लेटर आएगा D। इट मीन्स ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, हमें यहां पर ऑप्शन से भी कई बार हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे माइंड में ये हो जाना चाहिए कि फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इट मीन्स जो आंसर होगा डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से होगा। तो सी के बाद आता है डी, फिर H के बाद आता है I, तो इसका मीनिंग यहीं से हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि M के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर आता है N और R के बाद नेक्स्ट लेटर आता है S, तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां से 18 का रिलेशन जैसे 162 से है तो ऐसे ही 36 का रिलेशन किससे है। तो सोचिए 18 का रिलेशन 162, इट मींस 18 में जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 162 आ जाता है, क्लियर। तो यहां से दो चीजें हो सकती हैं। तो इसका मीनिंग आंसर या तो ऐसे आएगा कि 36 में 9 से मल्टीप्लाई करके, तो जब मैं 36 में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये वाला लॉजिक तो इसका रॉन्ग है। तो यहां पर सोचिए ये जो 9 है ये क्या है, 18 का जस्ट हाफ भी है, तो 36 का हाफ क्या होता है, 36 का हाफ होता है 18। तो इसका मीनिंग यदि मैं 36 और 18 की मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 648। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हमें चार ऑप्शन दिए हैं 4 to 6 में, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें ओड वन आउट फाइंड करना है। इट मींस चार में से तीन एक तरीके से ग्रुप बनाएंगे लेकिन उनमें से एक जो होगा वो उनमें से अलग होगा। जैसे हम इन चारों को देखते हैं, इन चारों में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, इन ऑप्शन को देखें तो ये पहला दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ये 2 से डिविजिबल है, इट मींस ये तीनों के तीनों क्या है, इवन नंबर है। लेकिन जो फोर्थ वन है इट मींस 125 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो इनमें से चारों में से अलग कौन है, 125 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है F, हमें चार वर्ड दिया है, जैसे पहला दिया है FIK, दूसरा दिया है DGI, तीसरा दिया है MPK और चौथा दिया है KND, ये हमें दिया हुआ है। जरा सोचते हैं भी F से I का मीनिंग क्या हुआ, यहां पर +3 हुआ, F के बाद GHI +3 हुआ, I के बाद K IJK, इट मींस यहां पर +2 हुआ, तो इसमें जो पैटर्न है वो +3 +2 का है। इसी तरह नेक्स्ट वन में देखते हैं D के बाद G हुआ तो यहां पर हुआ +3, G के बाद यहां पर I हुआ तो G के बाद I, तो इसका मीनिंग यहां पर +2 हुआ, तो यहां पर भी पैटर्न वही है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में देखें तो M के बाद P, M NOP, इट मींस यहां पर +3 हुआ, P के बाद Q और R, P के बाद Q और R, तो इसका मीनिंग यहां पर जो हुआ +2 हुआ, तो इसका मीनिंग यहां पर भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो
देखो चार में से तीन हमें पता चल गए, जिनमें एक से आप पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो इसका मीनिंग लास्ट वन जो होगा वो इनमें डिफरेंट होगा, तो चेक भी कर सकते हैं। के बाद एल एम एन, यहां पर तो प्लस थ्री है लेकिन एन से डी में प्लस टू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमें दिया गया है यहां पर वाराणसी, आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद, ये हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है। तो सबसे पहली चीज है हमें देखना होगा कि देखिए ये जो चार है, चार में से तीन है, वाराणसी हुआ, हरिद्वार हुआ और इलाहाबाद हुआ, ये जो तीनों हैं, ये तीनों गंगा नदी के किनारे पर है, लेकिन जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे पर आता है, तो इसका मीनिंग इन चार में से तीन तो ऐसे हैं जो गंगा के किनारे हैं, एक ऐसा है जो यमुना के किनारे है, तो इसका मीनिंग अलग जो हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल ऑर्डर, इट मीन्स हमें दिया है पांच वर्ड दिए हैं, जैसे कि पहला है ब्रदर, हस्बैंड, फादर, सन और सन इन लॉ, हमें अरेंज करना है इनके ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए कोई भी इंसान सबसे पहले क्या बनेगा, एक बेटा बनेगा, बेटा होगा, बेटा बनेगा, फिर उसके बाद वो किसी ना किसी का भाई भी होगा, उसके बाद हस्बैंड होगा, उसकी शादी होगी और वो फिर सन इन लॉ भी होगा और बाद में उसके बाद ये फादर, इट मीन्स जो प्रोसेस हुआ तो सबसे पहले वो क्या बना, सन बना, फिर वो बना भाई, फिर हस्बैंड, फिर सन इन लॉ और फिर फादर, तो पहले आया फोर्थ, फिर ब्रदर इट मीन्स वन, फिर उसके बाद हस्बैंड इट मीन्स टू, फिर सन इन लॉ एंड फिर फादर, जो आंसर होगा 41253, 41253 ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट आता है विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर्स सीरीज शैल कंप्लीट इट, देखिए हमें ये सीरीज में है, एक पैटर्न में है, तो वो हमें यहां पर क्या फिल करना होगा वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहले इस चीज को एक तरीका आपको सिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। तो यहां पर हमें क्या दिया है, ये हमें लेटर्स दिए हैं, क्लियर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनको काउंट कर लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां पर जो आपको तीन तरह के लेटर दिखाई दे रहे हैं, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग तीन तरह के लेटर हैं, तो आप तीन तीन के पेयर में इनको ब्रेक कीजिए, तो ब्रेक करते हैं, एक पेयर ये आया, दूसरा पेयर ये हुआ, तीसरा पेयर यहां हुआ। अब यहां पर देखिए कौन से लेटर की कमी है, यहां पर किस लेटर की कमी है, बी की, इट मीन्स ए बी सी। इसके बाद यहां पर किसकी कमी है भाई, यहां पर जो कमी आ रही है वो सी की, तो यहां से एक पैटर्न समझ में आया ए बी सी सी बी ए। अब यदि आप यहां पर किसकी कमी है, सी की, ए बी सी सी बी ए, तो हमने क्या क्या फिल किया, बी फिल किया, फिर सी आया, फिर यहां पर भी सी है और फिर क्या है ए, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी सी सी ए, तो ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें दिया है, एक सीरीज दी है और हमें बताना है कि नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले सोचिए कि 5, 5 के बाद उसने दिया नेक्स्ट नंबर 11, 11 के बाद दिया 21, 21 के बाद दिया 43, 43 के बाद दिया 85 और हमें बताना है 85 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो सोचिए यहां से 5 से 11 यदि मुझे बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई हुई प्लस 1, तो 5 दूनी 10 और 11, लेकिन यहां से इसमें बनाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना आता है 22 माइनस 1 तो 21, फिर यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 सॉरी प्लस 1, इसी तरह यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, तो नेक्स्ट वाला जो होना चाहिए तो वो होना चाहिए कि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1,
तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 171 इज द आंसर. आंसर इज 171, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है ए डी जी जे, इसके बाद एक सीरीज ये है, इसको सीरीज को हमें आगे बताना है कि आगे क्या आएगा, क्या इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो देखते हैं भाई, पहले यह आता है ए डी जी जे. अब इसमें देखिए ए डी जी जे में देखिए, इसमें ए से डी में देखिए कितना हुआ है, प्लस 3 हो गया. डी से जी में देखें तो प्लस 3 हुआ, और जी से जे में देखें तो प्लस 3 हुआ. इसी तरह अब यहां पर देखें वाई वाई वी एस बी वाई बी वाई वी एस बी, वाई से वी में देखें तो यहां पर माइनस 3 है, वी से एस में देखें तो माइनस 3, और एस से बी में भी देखते हैं तो माइनस 3. क्लियर? तो यहां पर प्लस 3 है, यहां पर माइनस 3 हुआ. अब एक बात सोचिए, यहां पर यदि आप देखें तो पहले वाले के बाद आप अल्टरनेट इनको अरेंज कर सकते हैं. यहां पर देखो जे जे के बाद के आ गया. क्लियर है? जे के बाद के, तो अब यहां से शुरू करते हैं, के में प्लस 3 एन हुआ, फिर क्यू और फिर टी, तो इसमें फिर प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस 3 हुआ. क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं, अब इस हमें बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा. अब यहां पर सोचिए, यहां पर देखिए एक में पहले वाले पार्ट में हुआ प्लस 3 प्लस 3, दूसरे में माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, तीसरे में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इट मींस जो ये फोर्थ ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए, तो उसमें माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 होना चाहिए. यदि आप इसको देखते हैं तो इसमें एस टी यू वी, इट मींस इसमें प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है, तो इसका मीनिंग पहला ऑप्शन नहीं हो सकता. यहां पर भी प्लस में चल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता. यदि आप फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं तो एल एम एन ओ, इट मींस यहां पर भी प्लस में चल रहा है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है, तो इसका मीनिंग केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3. तो आंसर इज 3. नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें दिया है, इसने कहा है कि मिस लता वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर सन 8 इयर्स एगो. देखो 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं भाई 8 साल पहले, 8 साल पहले सन की एज थी 8 इयर्स एगो. 8 साल पहले सन की एज थी एक्स, तो मिसेज लता की एज जो होगी वो होगी 3 टाइम्स, इट मींस 3x. लेकिन इसने कहा ये 8 साल पहले की बात हुई, एट प्रेजेंट ये कितने साल का होगा भाई, बेटा कितने का होगा, x प्लस 8 का होगा, और जो लता है वो कितने की होगी, वो होगी 3x प्लस 8 की. अब ये इन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, लेकिन उसने कहा है देयर टोटल एज इज 64 ईयर नाउ. अभी जो प्रेजेंट में दोनों की टोटल का एज जो है, टोटल जो है एज का, वो है 64. तो यदि आप इनको ऐड करेंगे तो आता है 4x प्लस 16. तो इसका मीनिंग ये हुआ 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 64. तो 4x इक्वल टू कितना आया, 4x इक्वल टू आया 48, एंड x की वैल्यू आ गई यहां से 12. x की वैल्यू कितनी आ गई, 12. और जब x की वैल्यू 12 आ गई तो हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ लता, लता की प्रेजेंट एज क्या है. तो प्रेजेंट एज लता की थी 3x प्लस 8, तो इसका मीनिंग x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए तो 3 x की वैल्यू 12 पुट करते हैं तो 3 इंटू 12 प्लस 8, तो 12 तीन 36 और 8 44. तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट आता है, फ्रॉम द गिवन alternatives, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड. इसने कहा इस वर्ड के लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते, कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते. तो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि
जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना होगा कि जो हमें ऑप्शन दिए उस वर्ड के जो लेटर है ऊपर दिए वर्ड में है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए Q U I T S और S, ये सारे लेटर मेरे पास हैं, तो इसका मीनिंग पहला बन सकता है इससे। दूसरे को देखें Q U T E, फिर T N E S, तो इसका मीनिंग ये भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस वर्ड के लेटर भी इसमें ऊपर दिए गए कीवर्ड में है, सारे लेटर ऊपर दिए गए कीवर्ड में है, तो इट मीन्स सेकंड ऑप्शन भी बन सकता है। थर्ड ऑप्शन में यदि हम देखते हैं, यहाँ पर वी दो बार आया है, वी कितनी बार आया है, दो बार आया है, लेकिन इस वर्ड में केवल वी जो है वो एक बार ही आया है, तो इट मीन्स ये वर्ड हम नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है गिव के लिए कोड दिया है 5137 एंड बेट के लिए दिया है 924 और हमें बताना है गेट के लिए। याद रखो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पहले देखिए जो वर्ड हमसे पूछा गया है उसके सारे लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए गेट, गेट में आया है GATE, क्या जी हमारे पास है, वो भी है, ए भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है और ई भी हमारे पास है। इसका मीनिंग ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कोडिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें कोई डायरेक्ट कोडिंग है, तो जी के लिए इसने क्या यूज किया है, जी के लिए इसने यूज किया है 5। अब ए देखिए, ए का है बैट में ए है, तो इसका मीनिंग ए के लिए यूज किया है 2। टी के लिए कोड यूज किया है 4 एंड ई के लिए इसने यूज किया है 7। तो आंसर क्या होना चाहिए, 5247 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी यही कोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग से ही क्वेश्चन है और हमें बताना है किस कोड के ये किसके लिए यूज किया गया है, ये जो कोड दिया है ये किसके लिए यूज किया गया है। तो आप यहां से देखिए y का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, l के लिए। अल्फा का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, m, अल्फा का a के लिए। इसी तरह इसका यूज हुआ है m के लिए और बीटा का यूज जो हुआ है, बीटा देखिए यहां पर कहा है, बीटा का यूज हुआ है p के लिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, lamp, LAMP, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 5 × 8, इट मींस ये दिया है 28, 5 × 8 = 28 इसने कहा। तो 5 × 8 से 28 तो नहीं आता, तो कैसे आ सकते हैं, यदि मैं इसमें से एक काम कर देता हूं -1 करता हूं तो यहां पर आएगा 4, यहां पर भी -1 किया तो यहां पर आता है 7 और 7 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 हमें मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें इंट मिलता है कि इसने जो नंबर दिए हैं उनमें से 1 लेस करके मल्टीप्लाई की है। अब जरा दूसरे को भी चेक कीजिए, दूसरे को जब मैं चेक करता हूं तो 3 × 7 इसने 12 लिखा है, तो यदि मैं 3 में से 1 कम करता हूं तो आएगा 2 और 7 में से 1 कम करता हूं तो आता है कितना, 6 आता है, -1 किया तो यहां पर आता है 6 और दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 12। इट मींस पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, जो नंबर दिए गए हैं उनमें से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई किया गया है। तो यदि आप इसको चेक करते हैं तो यहां पर आएगा 7 और यहां पर 1 माइनस किया तो 5, तो 7 × 5 इट मींस 35। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, -1, तो 13 में से -1 करेंगे तो आएगा 12 और 13 में से भी -1 करेंगे तो 12 और 12 × 12 इट मींस 144 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है ए बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यहां पर देखिए स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मीनिंग है कि जब पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इट मीन पानी बोट की कोई भी हेल्प नहीं कर रही है, तो वो बोट की ओरिजिनल स्पीड है, वो क्या है बोट की ओरिजिनल स्पीड, मान लेते हैं भाई उसको हम इंडिकेट करते हैं यू, यू से, यू क्या है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, इट मीन यू दी है इसने 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब आता है इसने दिया इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, इट मीन जो पानी चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वी की वैल्यू आ गई कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट
टू गो 108 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पहले देखिए हमसे पूछा है टाइम, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब पहले देखिए डिस्टेंस कितना चलना है हमें 108 किलोमीटर और स्पीड। अब लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जाना चाहता है। डाउनस्ट्रीम का मीन्स है कि जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है उसी डायरेक्शन में बोट को भी जाना है, तो पानी उस बोट की हेल्प करेगा और जब हेल्प करेगा तो इट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 30+6, इट मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम होगा 108 अपॉन में स्पीड कितना लेंगे 36, और 36 थ्री जा कितना होता है 108, तो इसका मीनिंग 3 घंटे में वो उसको कवर कर जाएगी, 108 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 में हमें दिया गया है, यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में या तो आप रिलेशन आप इस तरह से रो में बनाइए या फिर कॉलम में आपको सोचना होगा, लेकिन पहले देखिए कहीं ना कहीं मल्टीपल या कुछ ऐसा दिखाई देता है तो उस पैटर्न में आपको बनाना बेटर रहेगा। यदि आप यहां से देखें रो में देखते हैं कि यदि मैं 15 में मल्टीप्लाई करता हूं, या आप कह सकते हैं कि इसको सेकंड वाली रो में जो है तो 225 को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड किया तो 15 आता है, और यदि मैं 15 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो 30 आता है। तो इसका मीनिंग जो सेकंड वाला है उसको पहले वाले से डिवाइड करके उसका डबल किया गया। अब देखो 70 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, और 10 × 2 इट मीन्स 20 हुआ। तो यहां पर भी मान लेता हूं मैं यहां पर x है, तो x को मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आई उसका डबल वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, x इंटू 3/2 इट मीन्स यहां से आ जाता है 12, तो आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमसे पूछा गया है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, राउट ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट एंड स्ट्रेटली गोज टू पॉइंट वाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 meters। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट बना लीजिए, देखिए जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होना चाहिए वो कुछ डिफरेंट बनाना, जिससे कि हमें बाद में पता रहे कि हमने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था। क्लियर, आप कोई पॉइंट बनाइए, बॉक्स बनाइए, उससे हमें ये पता रहेगा कि हमने यहाँ से चलना शुरू किया था। मान लेते हैं मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, राहुल ने यहाँ से चलना शुरू किया, उसने कहा कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में स्ट्रेट जाता है 90 meters। अब देखिए इसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया वो नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है, तो आप नॉर्थ में ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, क्योंकि अब वो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा, अभी वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा। तो यहां से हम मान लेते हैं कि वो 90 meters गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो 90 meters गया। क्लियर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 90 meters वो गया। फिर इसके बाद उसने ही टर्न राइट, उसने यहां से राइट में टर्न लिया, इट मीन्स आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राइट आपका ये राइट होगा, और राइट में जाता है तो 40 यहां पर जाता है। हमेशा याद रखिए यदि किसी को प्रॉब्लम आती है कि भाई राइट और लेफ्ट में, तो जिसका आपका राइट लेफ्ट देखना है उसका फेस और अपना फेस सेम डायरेक्शन में कीजिए, जो आपका राइट होगा वही उसका भी राइट होगा और जो आपका लेफ्ट होगा वही उसका भी लेफ्ट होगा। फिर आता है आगे, इसने कहा देन अगेन टर्न राइट। अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो राइट हैंड होगा आपका ये, और राइट में उसने वॉक किया 70, राइट में वो किया 70, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 70 है। क्लियर, फिर फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 40। अब यहां से आप जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां से राइट होगा ये वाला, और राइट में कितना 40 आप जानते हैं 40। अब आप सोचिए यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है 70, टोटल है ये 90, तो इसका रिमेनिंग पार्ट यहां से यहां तक जो बचा, ये वाला पार्ट जो बचा वो बचता है केवल 20। तो आपसे पूछा है हाउ फार
ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वो यहाँ पर है और स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ये, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है ऑल वुमेन्स आर कैट्स, ऑल वुमेन्स आर कैट्स, तो ये वुमेन हुआ, इनको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं, ऑल वुमेन्स आर कैट्स, क्लियर। फिर आगे दिया है ऑल कैट्स आर रेड, सारी जो कैट है वो क्या है, रेड है, ऑल कैट्स आर रेड्स, क्लियर। अब इसने क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि कंक्लूजन, हमें दो कंक्लूजन दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है ये हमें बताना है। इसने कहा है ऑल वुमेन्स आर रेड, सारी वुमेन रेड है। देखिए ये जो वुमेन वाला पार्ट है ये किसके अंदर आ रहा है, ये रेड के अंदर आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहां से हमें पता चलता है कि सारी वुमेन क्या है, रेड है, तो रेड है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सही है। देखिए दूसरा दिया है, दूसरा कंक्लूजन दिया है ऑल रेड्स आर वुमेन, क्या सारे रेड वुमेन है, नहीं है, सारे रेड वुमेन नहीं है, कुछ रेड वुमेन है, तो इसका मीनिंग ये कह रहा है ऑल, लेकिन यहां पर है सम, सम रेड आर वुमेन, तो इसका सम रेड्स आर वुमेन, तो दूसरा क्या है, गलत है, तो केवल फर्स्ट कंक्लूजन सही है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है फोर पोजिशन ऑफ द डाइस आर गिवन ब्लो बिलो एंड आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द नंबर ऑन द टॉप इज 2, इट मीन्स हमें 2 के अपोजिट बताना है, यदि टॉप पर 2 है तो उसके बॉटम में क्या होगा, क्या नंबर होगा। देखिए सबसे पहली चीज एक समझिए कि एक नंबर एक फेस से चार फेस कनेक्टेड होते हैं, कोई भी डाइस है यदि उसका टॉप से कितना चार फेस आप कनेक्टेड होंगे, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यदि एक रूम है, रूम की जो रूफ है छत है उससे कनेक्टेड जो होंगी वो चारों दीवारें होंगी और रूफ के अपोजिट क्या हुआ, फर्श हुआ, तो इसका मीनिंग एक फेस से चार फेस कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो या तो हमें 2 से कनेक्टेड चारों पता हो और जो बचा हुआ नंबर होगा वो अपोजिट होगा, लेकिन ऐसा यहाँ से 2 से जो कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है केवल हमारे पास कौन कौन कनेक्टेड है, यदि मैं इसमें देखता हूं फोर्थ में 2 से कनेक्टेड है 3 और 6, यहां पर 2 से कनेक्टेड है 3 और 1, इट मींस 3 में लिख सकता हूं 1, तो या तो इसका आंसर होगा फोर्थ या फिर क्या होगा 5, तो एक कनेक्टेड होगा और एक इसके ऑपोजिट होगा, तो इस वाले पैटर्न से तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा एक और फंडा क्या है, यदि दो डाइस में दो दो नंबर कॉमन है, जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो केवल आप फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट में और फोर्थ में देखिए, फर्स्ट में और फोर्थ में 3 6 3 6, दोनों में 3 6 है, फर्स्ट में भी 3 6 आया और फोर्थ में भी 3 6 है, तो नंबर क्या बचता है, इसमें बचता है यहाँ पर 5 और इसमें बचता है यहाँ पर 2, तो इसका मीनिंग ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो इसका मीनिंग 2 के अपोजिट होगा 5, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बताना है कि भी ये क्वेश्चन फिगर है और इसको मर्ज करके कंबाइन करके इन्होंने एक पिक्चर तैयार की है, ये इनमें से कौन सी है। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि ये अलग अलग पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया। देखिए ये जो स्क्वायर शेप का है यहाँ सभी में स्क्वायर शेप का है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाले पार्ट में सभी में ट्रायंगल है, ये भी अभी तक तो ये चीज कॉमन है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, गेट टाइप जो बनाया हुआ है इसने, वो भी सभी में है। अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर जो सर्कल है हमारे पास, ये दो सर्कल है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में तो एक एक सर्कल है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें दोनों सर्कल हमारे पास है, तो इसका मीनिंग जो आंसर होगा वो होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर, स्क्वायर जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर डॉक्टर्स को, सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेक्टेंगल है ये आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपसे पूछा है विच नंबर रिप्रेजेंट दोज डॉक्टर्स हु आर प्लेयर्स एज वेल एज आर्टिस्ट। इसने कहा है ऐसे डॉक्टर जो प्लेयर भी है और साथ में आर्टिस्ट भी है,
इट मीन ऐसा नंबर जो स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों में कॉमन है, तो ऐसा नंबर हमारे पास केवल 7 है। तो ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उन डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्लेयर भी है और साथ में आर्टिस्ट भी है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ये कुछ इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको यहाँ पर सोचना होगा कि क्या, कौन सा पार्ट हमारे पास ये रखें तो ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो जाए। तो सोचो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा माइंड लगाना होगा, इमेजिनेशन लगानी होगी। यदि मैं इसको यहाँ पर फिल करना शुरू कर देता हूँ, देखिए इसी तरह से शेप बनाते हैं, तो कुछ इस तरह की शेप आ रही है ये वाली। तो ये वाली शेप किससे मैच कर रही है? ये देखिए, ये किससे मैच कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन से तो हो नहीं सकती। इसका देखिए, ये वाली शेप तो इसका फेस किधर है? इधर है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड पे भी देखिए, थर्ड का फेस इधर है, तो इसका मीनिंग ये भी नहीं हो सकता। तो केवल फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो जो जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये फिगर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो आपको जैसा इन बाकी पार्ट्स में बना हुआ है, कुछ ऐसा ही बनाना होता है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको लगाना होगा कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है, तो ऐसी ही शेप हम यहाँ पर यदि हम बना दें, क्लियर? और इसको ये वाला पार्ट सोचिए, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से पार्ट कौन से ऑप्शन में बना हुआ है हमारे पास? केवल देखिए, मैंने पूरा नहीं बनाया, केवल छोटा सा पार्ट बनाया, लेकिन इसी को ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में भी नहीं है, है लेकिन आधा अधूरा है, तो इसका मीनिंग फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो केवल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, इफ द मिरर इज प्लेस ऑन द लाइन MN, इट मीन्स जो ये ML लाइन है वो मिरर को ये रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मिरर है, तो आपको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज क्या बनेगी। याद रखिए, जब मिरर इमेज हम बनाते हैं तो इमेज जो होती है वो लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती है, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाती है। इसी तरह वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट चेंज होगी तो ये वाली वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। याद रखिए, टॉप वाला पार्ट टॉप में, बॉटम वाला पार्ट बॉटम में ही रहेगा, क्लियर? उसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन बस लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो राइट अभी जो पार्ट लेफ्ट में है, इट मीन्स इस कॉर्नर पर है, इस पॉइंट पर है, यहाँ से ये लाइन ऐसे गई हुई है, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट अभी लेफ्ट में है, तो बाद में कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। तो अब ये यदि ये राइट में जाएगा तो कुछ ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये लाइन ऐसे गई है, नीचे की तरफ गई है, फिर यहाँ से, फिर ये, और फिर यहाँ से ये, कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 में हमने दिया है, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर डबल्ड। अब सोचिए कोन की शेप, कोन कुछ ऐसे होता है भाई, यहां से आपने इसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस है आर और हाइट है एच, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, क्लियर? अब यदि आप हाइट को और रेडियस को डबल करेंगे, तो हाइट और रेडियस को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या बनेगा? 1/3 πr की जगह अब क्या पुट करूंगा? 2r, क्योंकि रेडियस को डबल किया गया, 2r का स्क्वायर इनटू h की जगह हम यूज करेंगे 2h, तो यहां से बन जाता है 1/3 π 4r² × 2h, या आप कह सकते हैं 8 × भाई 4 × 8 8 × 1/3 πr² h। तो इसका मीनिंग ये जो नया वाला जो वॉल्यूम हुआ, ये प्रीवियस वाले से 8 times का, प्रीवियस वाले का 8 times है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन आप इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए कि आप वर्बली सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए हमेशा ध्यान दीजिए किस किस में चेंज किया है, रेडियस को डबल किया है और हाइट को भी डबल किया है। तो रेडियस फॉर्मूले में रेडियस का होता है स्क्वायर हो रहा है और हाइट ये है, तो इसका मीनिंग केवल इतना पॉइंट याद रखिए, आर का डबल, आर आर का भी क्या हुआ है, रेडियस को डबल किया गया और हाइट को भी डबल किया, तो और यहाँ पर आर का है स्क्वायर, तो डबल इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 2
इट मीन्स यहाँ से आता है 8, तो इसका मीनिंग जो नया वाला वॉल्यूम होगा वो प्रीवियस वाले के 8 टाइम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 360, इट मीन्स उसने 360 रुपए का खरीदा, लेकिन वो उसे 25% पर बेचना चाहता है, लेकिन वो डिस्काउंट के बाद, कितने परसेंट के डिस्काउंट के बाद, 10% के डिस्काउंट के बाद वो 25% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, तो आपसे पूछा गया है उसकी एमआरपी क्या होगी। अब एक बात सोचो, देखिए भी इन तीनों को रिलेट कीजिए, ये एमआरपी है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर? कॉस्ट प्राइस हमें दिया 360 रुपीज, अब वो चाहता क्या है कि उस पर वो 25% का प्रॉफिट कमाए, तो इसका मीनिंग बेचेगा कितने में, 360 के 125% में। क्लियर? अब डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया 10% का उसने डिस्काउंट दिया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पर, तो एमआरपी का 90% वो 360 इंटू 125 बाई 100 के बराबर होगा। क्लियर है? तो एमआरपी का 90% वो इक्वल टू होगा एसपी के, या आप कह सकते हैं 360 के 125% के बराबर। यहां से समझ में आया, यहां से क्लियर है चीजें? तो अब यहां से देखिए, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 9 से ये 4 टाइम्स हुआ, तो एमआरपी इक्वल टू कितना आएगा, एमआरपी इक्वल टू आएगा 4 इंटू 125, इट मींस यहां से 500 इज द आंसर, 500 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 1510 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 24.4%। इसका मीनिंग डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है वो एमआरपी पर दिया जाता है, तो यहाँ से हमने 24.5% का डिस्काउंट दिया, तो इतने पर बेचा, तो इसका मीनिंग ये 1510 एमआरपी के 75.5% का होगा, के बराबर होगा। तो यहाँ से वही आप टर्म लिख लीजिए, एमआरपी, इधर हम लिख लेते हैं सीपी और इधर एसपी। हमने जो डिस्काउंट दिया 24.5% का डिस्काउंट दिया। क्लियर? और सेलिंग प्राइस है हमारा 1510, और तब हमें क्या हो रहा है भाई, 10% का हमें क्या हुआ लॉस, 10% का हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो आपसे पूछा गया है कि जो यदि हम डिस्काउंट ना दें, यदि ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, यदि हम डिस्काउंट ना दें विदाउट डिस्काउंट, तो तब हमें प्रॉफिट कितने का होगा, ये हमसे पूछा है। देखो, हमसे प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं पूछी, हमसे प्रॉफिट पूछा है कितने का प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस भी निकालना होगा और एमआरपी भी निकालना होगा। तो पहली चीज़ देखिए, हमने एमआरपी पर 24.5% का डिस्काउंट दिया है, तो इसका मीनिंग एमआरपी का 75.5% वो किसके बराबर होगा, 1510 के बराबर होगा। तो यहाँ से यदि मैं एमआरपी निकालता हूँ, तो एमआरपी आ जाती है 1510 इंटू 100 अपॉन में 75.5। इसका मीनिंग यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 2000 आ जाती है। तो एमआरपी कितनी हो गई, 2000 रुपये हो गई। अब दूसरी चीज़, हम कॉस्ट प्राइस डिफाइंड कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस पर हमें 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो इसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस का 90% सीपी का 90% वो होगा 1510। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1510 इंटू 100 अपॉन में कितना, 90। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 15100 अपॉन में 9। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया।
और हमसे पूछा गया था प्रॉफिट, तो गेन देखिए भाई गेन कितना हुआ, कितना गेन हुआ, वो होगा 2000 माइनस 15100/9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है 322/9 इज द आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमें दिया है 4^61 + 4^62 + 4^63 + 4^64 इज डिविजिबल बाय। तो आपको क्या करना है, यदि इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, इन सभी में से कॉमन आ सकता है 4^61 कॉमन ले लीजिए। तो 4^61 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास 1 + 4 + 4^2 + 4^3। क्लियर? तो अब इनको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास 4^61, ये आएगा 1 + 4 + 16 + 64। अब इन सबको ऐड करते हैं तो आता है 85। तो 4^61 × 85। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पार्ट को ध्यान से देखिए, जो 85 है इन सब में से किससे डिविजिबल है, 85 जो डिविजिबल है 17 से डिविजिबल है। तो इसका मीनिंग ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, 17 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इसने कहा है असिस्टेंट इज प्रोवाइड विद टू पाइप्स ए एंड बी, ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स। देखिए ए का काम है फिल करने का, ए 20 मिनट में फिल कर सकता है। क्लियर? एंड बी कैन एम्प्टी, बी एम्प्टी कर रहा है तो इसलिए मैं यहां पर माइनस लिख रहा हूं, तो बी जो है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। इफ ए एंड बी कैप्ट ओपन ऑल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच, तो इसका मीनिंग इनको ऑल्टरनेट चला गया और एक एक मिनट के लिए चला गया। तो उसने पूछा हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड इट, तो बताइए कितने पहली बार, कितनी बार, कितने टाइम में पहली बार सिस्टम फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाता है 60। तो मान लेते हैं भाई टैंक में 60 लीटर पानी आता है, मान लेते हैं टैंक में कितना लीटर पानी है, 60 लीटर पानी है। तो यहाँ पर पाइप ए जो फिल करेगा वो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 20 या 60, तो इसका मीनिंग 1 मिनट में ये 3 लीटर फिल किया। और इसी तरह ये बी जो पाइप है वो खाली करेगा 2 लीटर वो खाली करेगा। तो रिजल्टेंट क्या आया भाई, इसने 3 लीटर फिल किया, इसने नेक्स्ट ये 2 लीटर फिल खाली कर देता है, बी खाली कर देता है 2 लीटर। देखिए हमने इनको ऑल्टरनेट चलाया था, ऑल्टरनेट चलाते हैं तो पहली मिनट ए चलेगा, नेक्स्ट मिनट बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा। तो जब पहली मिनट में ए चलेगा तो ये 3 लीटर फिल कर देगा प्लस का 3, लेकिन नेक्स्ट मिनट में बी जो है वो 2 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा, तो माइनस का 2। तो यहाँ से एक मिनट यहाँ पर लगी, 1 मिनट ए की और 1 मिनट बी की, तो टोटल 2 मिनट में जो टैंक में पानी फिल हुआ वो हुआ 3। तो उसने ए ने फिल किया, बी ने 2 लीटर खाली किया, तो इसका मीनिंग 1 लीटर। मोस्टली बच्चे इसका अब आंसर क्या देंगे भाई, 1 लीटर भरने में 2 मिनट लग रही है तो 60 लीटर भरने में कितना, 120। लेकिन 120 इसका ये गलत आंसर है। यहाँ पर एक वर्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है हाउ सून, हाउ सून का मीन्स पहली बार जो सिस्टम है वो कब फिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में कि पहली बार कितने टाइम में बन जाएगा, काम हो जाएगा, या पहली बार कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो इसका एक लॉजिक है, उसको समझिए। आप इस तरह के केस में जो फिल करने का काम कर रहा है, फिल करने का काम कर रहा है ए, तो उसका लास्ट मिनट का 1 मिनट का वर्क आप इसमें से हटा दीजिए। इट मीन्स 1 मिनट में से 1 मिनट में 3 लीटर फिल करता है और टोटल हमारे पास 60 है, तो 60 में से पहले ही 3 लीटर हटा के रखिए तो टोटल हमारे पास बच जाता है 57 लीटर। बात समझ में आती है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कि हाउस सून पहली बार कितने टाइम में फिल हो जाएगा, इट मीन्स हमें नेक्स्ट मिनट में खाली नहीं करना है उसको, तो हमें क्या करना होगा,
हमें देखना होगा कि जो लास्ट मिनट में हमें जो चलाना है वो ए को चलाना है, तो लास्ट मिनट में ए कितना लीटर फिल कर सकता है, 3 लीटर। तो इसका मीनिंग इसका 3 लीटर पहले से ही हम हटा कर रखेंगे कि लास्ट मिनट में ये 3 लीटर फिल कर सके और हमारा टैंक पूरा सिस्टम पूरा कंप्लीट फुल हो सके। तो उसके लिए 60 में से पहले 3 माइनस कर दीजिए, टोटल हमें 60 लीटर फिल करना है, उसमें से 3 माइनस कर दिया तो 57 लीटर। तो यहां पर देखो 1 लीटर फिल करने में मुझे 2 मिनट लग रही है, तो 57 लीटर फिल करने में कितना लगेंगे, 114 मिनट्स। तो 114 मिनट में 57 लीटर फिल हो जाएगा, 114 मिनट में 57 लीटर फिल हो जाएगा, लेकिन मुझे करना है कितना, 60 लीटर। तो नेक्स्ट मिनट में कौन चलेगा, ए आएगा। भाई यहां पर ऑल्टरनेट देखें तो पहली मिनट में, तीसरी मिनट, पांचवी मिनट, इट मीन्स और नंबर की जो मिनट्स है उस पे ए चलाया जा रहा है, तो इसका मीनिंग 114 मिनट्स, इट मींस मैक्स जो मिनट होगी 115वीं मिनट, उसमें ए को चलाया जाएगा और ए पूरे 1 मिनट में 3 लीटर फिल कर देता है, तो नेक्स्ट मिनट में वो 3 लीटर फिल करेगा। तो 114 तो पहले से है और नेक्स्ट मिनट इट मींस 115 मिनट में टोटल कितना फिल हो जाएगा, 57 पहले है प्लस 3 और कर दूंगा तो टोटल आ जाता है 60 लीटर। तो इसका मीनिंग जो पहली बार जो टैंक फिल हो जाएगा वो 60 लीटर में फिल हो जाएगा। तो आंसर इज 115 मिनट्स, आंसर इज 115 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 56, इसने कहा इफ ए मशीन कंज्यूम के बाई 5 किलोवाट्स ऑफ पावर एवरी टी आवर्स। तो देखिए एक मशीन टी आवर्स में कंज्यूम कर रही है के बाई 5 किलोवाट्स, तो टी आवर्स ने कंज्यूम करती है के बाई 5 किलोवाट, क्लियर। तो 1 आवर में कितना करेगी एक मशीन, केवल एक मशीन की बात कर रहे हैं अभी, तो के बाई 5 अपॉन में कितना टी, और उसने 10 घंटे की बात कर रहा है तो 10 घंटे में कितना करेगी, के बाई 5 अपॉन में टी, के बाई 5 और अपॉन में टी इंटू 10। तो यहां से आता है ये 2 बार कैंसिल, तो 2k/t, ये एक मशीन का आया, ये एक मशीन इतना कंज्यूम करेगी 10 घंटे में, और यहां पर इसने कहा है विल 3 such machines, तो इसका मीनिंग हमारे पास एक नहीं 3 मशीन है। तो ये तो वन एक के लिए था, 1 मशीन के लिए था, तो यहां पर हमारे पास 3 मशीन है। तो जब एक मशीन कर रही है 2k/t, तो 3 मशीन कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2k/3 टी इंटू 3, तो यहां से आता है 6k/t, तो आंसर है 6k/t, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया है आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। सोचिए यहां से एक बंदा है वॉक करते हुए जा रहा है और राइड करते हुए आ रहा है, इट मींस इसने कहा यदि मैं वॉक करते हुए जाता हूं एक डिस्टेंस और राइड करते वापस आता हूं, तो वॉक करते हुए गया राइड करते हुए वापस आया तो उसे टाइम लगता है 37 मिनट्स। और उसने कहा I could walk both the ways, यदि वो दोनों तरफ वॉक करे, तो दोनों तरफ यदि वो वॉक करता है तो टाइम लेता है 55 मिनट्स। तो आपसे पूछा गया है यदि वो दोनों बार राइड करे तो कितना टाइम लेगा, दोनों बार राइड करे तो कितना टाइम लेगा। तो सोचिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे कि 2 वॉक का टाइम है, 2W करेंगे इक्वल टू 55, 1W की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो जो कि एक लॉजिकल हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल सोचिए। यहाँ पर भी वॉक कर रहा है, यहाँ पर भी वॉक कर रहा है, इन दोनों कंडीशन में वो यहाँ पर वॉक कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, वॉक कर रहा है तो टाइम भी इक्वल लेगा। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट में देखिए, यहाँ पर राइड करते हुए जा रहा था, यहाँ पर वॉक करते हुए जा रहा है, जब वो राइड से वॉक की तरफ, राइड की जगह वॉक करता है तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, भाई इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर भी वॉक है, यहाँ पर भी वॉक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर टाइम में चेंज नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है, वॉक दोनों बार वॉक कर रहा है तो इसका मीनिंग स्पीड भी सेम है तो टाइम भी सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में, यहाँ पर तो राइड कर रहा है, यहाँ पर वो वॉक कर रहा है, राइड की जगह जब वो वॉक करता है
तो यहाँ पर 18 मिनट 18 मिनट ज्यादा लग रही है, 37 की जगह 55 मिनट्स लग रही है, तो इसका मीनिंग 18 मिनट ज्यादा लगती है। तो यहां से सोचिए, जब वो राइड की जगह वॉक करता है तो 18 मिनट ज्यादा लगती है। अब यदि इसी के इस इक्वेशन को यहां पर पुट करो, इस इक्वेशन को देखो यहां पर, या फिर आप एक काम कीजिए, यहां पर 18 मिनट राइड की जगह वॉक करता है तो 18 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो उल्टा रिवर्स भी तो होगा, वॉक की जगह राइड करेगा तो 18 मिनट कम भी लगेगा। तो यहां से इस वॉक की जगह जब राइड करेगा तो 18 मिनट यहां कम हो जाएगी, इस वॉक की जगह राइड करेगा तो 18 मिनट यहां कम हो गई, तो टोटल कितना कम हो गई, 38 मिनट कम हो गई, 36 मिनट कम हो गई। तो यहां पर 36 मिनट कम करेंगे तो कितना आता है, 19 मिनट्स। तो आंसर इज 19 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से समझिए, देखिए उसने कहा था वॉक करते हुए जा रहा है, राइड करते हुए आ रहा है, तो 37 मिनट लगती है। यदि वो दोनों तरफ वॉक करता है तो 55 मिनट लगती है। तो यहाँ पर भी वॉक हुआ, यहाँ पर भी वॉक हुआ, और डिस्टेंस भी सेम है तो टाइम भी सेम होगा, लेकिन यहाँ राइड की जगह वॉक है, राइड की जगह वॉक करने से उसे 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो वॉक की जगह राइड करने से 18 मिनट कम भी तो लगेंगे। तो वॉक की जगह राइड किया, इस वाले केस में भी 18 मिनट कम हुआ, यहाँ पर भी 18, तो इट मीन्स टोटल 36 मिनट, इससे 36 मिनट कम, इट मीन्स आंसर इज 19। तो दोनों तरफ राइड करेगा तो 19 मिनट उसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहां पर इन इस टर्म को हमेशा ध्यान से देखो, नीचे दिया क्या हुआ है, यहां पर हमें दिया है ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहां पर दिया है सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर क्या है, माइनस बी सी है, तो यदि मैं बी सी को इधर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आता है, अभी ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू माइनस बी सी, इट मीन्स मुझे इतना पार्ट मुझको मिल गया, क्लियर। लेकिन इसके साथ क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो दोनों तरफ ए स्क्वायर यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा। दोनों तरफ ए स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इस वाले पार्ट से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम कॉमन ले सकते हैं ए कॉमन लिया तो आता ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। तो वो किसकी वैल्यू आई, ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू आई है ए और ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह हम बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली हम वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू होगी बी ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, सी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो मुझे तीनों वैल्यू पता चल गई, ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू भी पता चली, बी स्क्वायर माइनस ए सी की भी, और सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब ये जो वैल्यू है इनको यहां पर पुट करता हूं, तो यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन में ए ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन अपॉन में बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन अपॉन में सी ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। तो यहां से और सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें जो कॉमन आ जाता है हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर हमारे पास बचता है वन अपॉन में ए प्लस वन अपॉन में बी प्लस वन अपॉन में सी, ये हमारे पास आ जाता है। और यहां से जब हम एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, और ये एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पर आएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। लेकिन हमें पता है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी की जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है जीरो, तो इसका मीनिंग यहाँ पर मैं जीरो पुट करूँगा तो वन अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, तो जीरो अपॉन में ए बी सी, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आंसर इज जीरो, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इट मींस
एक्स की वैल्यू क्या रखें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हो वो क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लूंगा, तो हमारे पास बनेगा 4x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर इस तरह के केस में आपको क्या करना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये किसका स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है। तो जब ये 2x का स्क्वायर है और यहाँ पर 2x का ये होल स्क्वायर, क्लियर है, 2x का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो और यहाँ पर 3x और ये माइनस 2 है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक हम क्या बना सके, एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो यदि मैं बनाने की कोशिश करते हैं, भाई आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्लियर। अब यहाँ पर तो 2 से तो कोई ऐसा फर्क नहीं है, तो इस वाले पार्ट को केवल इतने पार्ट को लीजिए, क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, a की जगह यदि मैं 2x पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये 2x का स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है, तो a की जगह 2x पुट करेंगे तो 2x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, सोचिए 2x प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 2x × b, क्लियर। अब यहां पर देखिए ये जो पार्ट है 2 × 2x × b, ये किसके इक्वल होगा, 3x के। तो यहां से मैं b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4xb इक्वल्स टू 3x। इट मींस यहां पर आप कह सकते हैं b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/4। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/4। तो अब यहां से यदि मैं अब यहां पर देखो, अब इसको एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखिए, भी इसको मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर, क्लियर। और यहां पर हम क्या करेंगे भी, प्लस 2 × 2x × 3/4, इट मींस 2ab फॉर्मूला बना। यहां पर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इट मींस मैंने ऐड क्या किया, इसमें ऐड किया 3/4 ऐड कर दिया, क्लियर है, कितना ऐड किया मैंने, 3/4 मैंने ऐड किया, तो 3/4 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो 3/4 का स्क्वायर मैं क्या करूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3/4 का होल स्क्वायर और -2, क्लियर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहां से जो ये बनता है, ये हमारे पास मिला, ये बनता है 2x plus 3/4 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट ये बना 2x plus 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर -2। अब यहां पर ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस से अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस माइनस प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2। अब यहां पर बताना है कि उसने कहा था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हो तो एक बात सोचने की है, मींस यहाँ पर माइनस वाला पार्ट जितना कम से कम, इसमें से जितना कम से कम आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होगी, इट मींस कितना कम से कम हमें माइनस करना होगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि यदि मैं अंदर वाले केवल इस पार्ट की 2x प्लस 3/4 की वैल्यू माइनस में लेता हूं, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वो तो प्लस में चला जाएगा। तो इसका मीनिंग इस वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू हमें घटाना होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या, 0। और जब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो इसका मीनिंग 2x
2x plus 3 by 4 equals to 0, तो आप कह सकते हैं 2x equals to minus का 3 by 4, या आप कह सकते हैं x is equal to minus का 3 by 8. तो right answer is option number 3. दोबारा बता रहा हूँ भाई, इसको इस तरह के केस में आप सबसे पहले इसको perfect square की बनाने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर देखिए ये 2x का whole square है, यहाँ पर 3x है, माइनस टू को अलग रखिए, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ से a की जगह यदि मैं 2x पुट करता हूँ, क्योंकि ये 2x का होल स्क्वायर है, 2x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a कितना है, 2x और b, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आती है वो 3/4. तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, b हमारे पास क्या है, 3/4 है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. तो 2x का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2x, और b कितना लिया हमने 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. यहाँ पर 3/4 आपने क्या किया है, 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी किया और माइनस 2, तो ये बना 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 2. अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट माइनस का और ये प्लस का, इट मीन्स इस पार्ट में से कम आप माइनस करेंगे इसकी वैल्यू उतनी मैक्सिमम होगी. तो माइनस कम से कम क्या हो सकता है, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0. माइनस में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर हो रखा है, तो इसका मीनिंग इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 2x plus 3/4 equal to 0, तो 2x equal to minus का 3/4 और x की वैल्यू माइनस का 3/8. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस k1 x प्लस k2, आपसे पूछा है k1 और k2 की वैल्यू क्या है. अब देखिए x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है और x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है, इट मींस ये x माइनस 1 जब फैक्टर है तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यदि आप लेते हैं तो x is equal to 1, तो इसका मीनिंग जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो आप एक बार इसकी वैल्यू क्या पुट कीजिए, इस इक्वेशन में 1 पुट कीजिए, तो इसका मीनिंग f1 equals to 0 होना चाहिए, तो x की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k1 इंटू 1 प्लस k2 equals to कितना, 0. तो यहां से आप इक्वेशन आती है k1 प्लस k2 इक्वल टू माइनस 1, k1 प्लस k2 इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा क्या है कि x प्लस 3 भी इसका एक फैक्टर है, और जब x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 3 इस पर भी ये सेटिस्फाई करेगा. तो अब क्या पुट करते हैं, f माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो इट मीन्स यहां से x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस 3 पुट करेंगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k1 माइनस 3 प्लस k2 इक्वल्स टू कितना होगा, 0. माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9. माइनस 3 k1 प्लस k2 इक्वल्स टू आता है 0. और सॉल्व करते हैं तो 3k1 माइनस k2 इक्वल्स टू आता है 9. ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. तो इक्वेशन 1 है और 2 है, तो सॉल्व कर लेते हैं भी. तो k1 प्लस k2 इक्वल्स टू माइनस 1, दूसरी इक्वेशन हमें मिली 3k1 माइनस k2 इक्वल्स टू 9. तो आप इनको सॉल्व करते हैं तो यहां से आता है 4k1 इक्वल्स टू आ जाता है 8. तो k1 की वैल्यू जो आ जाती है वो आएगी 2. k1 की वैल्यू क्या आ गई, 2. K1 की वैल्यू 2 आ गई. अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं तो K1 की जगह 2 पुट करेंगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3. K2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3. तो K1 की वैल्यू 2 और K2 की वैल्यू माइनस 3. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया है द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55. भाई 20 आइटम्स हैं, इनका एवरेज कितना है, 55 है. इफ टू आइटम्स 45 एंड 30 आर रिमूव, यदि दो आइटम हम रिमूव कर दें
दो आइटम को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, द न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम, तो जो बाकी बचे आइटम्स हैं उनका रिमेनिंग आइटम्स का एवरेज क्या होगा। देखो भाई, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि भाई मैं इनका पहले 20 का सम निकाल लूँ, तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये कहता है कि 20 का सम आ जाएगा 20 × 15, ये 55, ये 20 का सम हुआ, इनमें से हमने माइनस किया किसको, 45 को और 30 को, तो 45 और माइनस 30, क्लियर। और अब ये कितने का सम आया, ये 18 का सम आया, 20 का सम था, 20 × 55, ये 20 आइटम का सम आ गया, तो 20 का एवरेज दिया है हमें 55, तो 20 × 55 ये सम आया 20 का, और इसमें से हमने रिमूव किए दो नंबर 45 और 30 को रिमूव किया, तो -45 -30, तो इसका मीनिंग ये जो बचा सम, ये कितने का बचा, तो 18 आइटम्स का सम बचा, और यदि मैं इसको 18 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनका एवरेज, और जो किया जाएगा कितना, 56.9। एक तो तरीका ये है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब एक दूसरा लॉजिकली मेथड एक कर सिखाता हूँ, 20 आइटम का एवरेज है 55, तो इसका मीनिंग वो आइटम भले ही कुछ भी है, जैसे ये आइटम्स हैं ये भले ही कुछ भी है, लेकिन इनका जो एवरेज है वो 55 है, कुछ भी रियल में कुछ भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो जो काउंट हो रहे हैं वो 55 में काउंट हो रहे हैं, क्लियर। तो ईच क्या है, 55 है, इस तरह से हमारे पास 20 आइटम्स हैं, क्लियर। अब ये वाला आइटम मान लेते हैं ये ओरिजिनल में था 45, ये वाला था 30, लेकिन ये जब मैं रिमूव करूँगा, एवरेज में काउंट हो रहा है ये 55 में, ओरिजिनल में 45, तो इसके पास हमारे हमारा कितना एक्स्ट्रा है, ये 10 एक्स्ट्रा है, और इसके पास टोटल कितना एक्स्ट्रा है, ये जो टोटल एक्स्ट्रा इसके पास है 25, तो दोनों के पास टोटल मिलाकर कितना आया, दोनों के पास टोटल मिलाकर आया 35 एक्स्ट्रा है, क्लियर। टोटल कितना एक्स्ट्रा है, 35। अब ये जो 35 है, ये एक्स्ट्रा जो है वो बाकी सब में तो बटेगा ना, तो बाकी सब में ऐड हो जाएगा, तो 35 को कितने लोग, कितने बाकी, कितने बचे, 18, तो 18 उसमें ऐड करना होगा, 18 जो आइटम है उनमें ऐड करना होगा, तो कितना आ जाता है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है यहाँ पर 1.9, कितना आ जाता है 1.9, तो इसका मीनिंग ये जो बाकी आइटम्स है 1.9 बढ़ जाएंगे, और पहले से इनका एवरेज कितना है 55, और 1.9 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 56.9 इज द आंसर। ये इसका लॉजिकली मेथड है और ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है, क्लियर। तो नेक्स्ट आता है, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, यदि हमें कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस इज, तो सेल प्राइस पर कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं भाई, देखिए कॉस्ट प्राइस है 100, सीपी 100 है, हमें 20% का प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 120 हुआ, 20% का हमें प्रॉफिट हुआ। अब यदि हम ये प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, किस पर, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है कितना 120, और कितने रुपए का हमें प्रॉफिट है 20 का, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20/120 × 100, तो यहाँ से ये 6 टाइम, तो आ जाएगा भाई 16/3%, तो आंसर है 16/3%, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है, इन एक ट्रायंगल एबीसी है, इसने कहा इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी क्या है, बराबर है, और जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मीनिंग इनके ऑपोजिट एंगल, इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एंगल ए है और एंगल जो सी होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे भाई, क्योंकि हमारी जो ये दोनों साइड है ए बी और बी सी, दोनों क्या है, बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, तो इसका मीनिंग इनके जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी सी के सामने आता है एंगल ए और ए बी के सामने आता है एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल बी हमें दिया है एक्स डिग्री का, एंगल हमें दिया है, एंगल ए दिया है 2x-20 का,
तो आपसे पूछा है एंगल बी कितने का होगा, तो जब ए और सी बराबर है तो ये भी कितने का होगा, ये वाला एंगल भी होगा 2x-20 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए, एंगल ए हमारे पास है 2x-20, एंगल बी वो है x और एंगल सी है 2x-20 इक्वल्स टू कितना 180। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो 5x-40 इक्वल्स टू 180, तो 5x इज इक्वल टू आता है यहां से 220, तो x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 44। और x क्या था, x हमारा एंगल बी है, एंगल बी क्या है x, और हमसे एंगल बी ही हमसे पूछा गया, तो आंसर इज 44 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। इट मीन्स हमारे पास 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, जिनमें से एक की रेडियस है 3.5, मान लेते हैं ये है 3.5 रेडियस वाला, दूसरे की रेडियस है 4.5 और इसकी रेडियस है 5.5। क्लियर है? तो आपसे कहा गया है जब आप इनके, देन द पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, यदि सर्कल के सेंटर को जॉइन कर दे, इट मींस इनको मिला दे, सेंटर को मिला दे, तो एक ट्रायंगल मिलेगा। उस ट्रायंगल का पैरीमीटर, भाई ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पैरीमीटर, पैरीमीटर वर्ड से आप समझते हैं कि बाउंड्री, पैरीमीटर वर्ड का मींस होता है बाउंड्री, इट मींस ये टोटल कितना है, इसकी लेंथ टोटल कितनी होगी। अब सोचो यहाँ पर ये 3.5, इतना पार्ट 3.5, इतना पार्ट 3.5, तो 3.5 कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ। इसी तरह इसमें ये 4.5, ये कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ। इसी तरह 5.5, ये कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार ऐड हुआ। इसका मीनिंग इनके सम का ट्वाइस कर रहे हैं, सिंपल सा है, इनके सम का हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 3.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5। क्लियर? तो इनको ऐड करते हैं तो यहां से आ जाता है 2 × 13.5 इतना, इट मींस 27 इज द आंसर, 27 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1 का। सोचिए भी, एक लॉजिक आपको याद रखना है, आपको वीडियोस में भी समझाया गया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा यदि a है तो याद रखिए sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है, वो 1/a होता है। इस लॉजिक को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू a है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, 1/a होगा। तो इसी तरह से यहां से आप देखें तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 है, तो यहां से आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/5। क्लियर? अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कीजिए, लेकिन हमें टैन चाहिए तो माइनस कर लीजिए, इसमें से पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, तो 2 tan थीटा इक्वल टू आएगा 5 - 1/5, तो आप कह सकते हैं 24/5, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाती है 24/5 और ये 2 अपॉन में जाएगा तो इसका मीनिंग 12/5, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब tan थीटा की वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 12/5 प्लस 1 अपॉन में 12/5 माइनस 1, तो यहाँ से ऊपर आ जाता है 17/5 और नीचे आ जाता है 7/5।
तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर इज 17 अपॉन में 7 इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। कंडीशन हमें दी है जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, और इनमें से हमें कौन सा रिलेशन सही है। तो भाई आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 से 90 के बीच में कुछ भी वैल्यू आप थीटा की ले सकते हैं। मान लेते हैं भाई थीटा यदि हम 60 डिग्री ले लेते हैं, यदि थीटा 60 है तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, कोस 60 क्या होगा 1/2, क्लियर। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर देखो कि कॉस 60 की जो वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इट मीन्स कॉस थीटा वो बड़ा है किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया है 5x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1/3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस अपॉन में 2/x। हमेशा याद रखिए जब कभी भी आपको वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी हो तो पहले इसको देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो किस फॉर्म में है। यहाँ पर जो दिया गया है वो एक्स प्लस 1 अपॉन में 2x की फॉर्म में है, तो x में जो ऐड हो रहा है 1/2x ऐड हो रहा है, तो यहाँ से भी हमें कोशिश करनी है। एक तो तरीका ये है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे अच्छा क्या है कि मैं इस फॉर्म को यहाँ से कैसे फाइंड कर सकता हूँ। देखो यहाँ से मुझे अपॉन में चाहिए 1 के अपॉन में चाहिए क्या 2x चाहिए, 1 के अपॉन में क्या चाहिए 2x चाहिए, और प्लस में क्या चाहिए उसके x चाहिए। तो यदि मैं नीचे से भी 2x कॉमन ले लूँ और ऊपर से भी 2x कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है। तो यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर ऊपर से 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2x, ऊपर से कॉमन लिया तो 5/2, क्लियर। नीचे से भी 2x कॉमन लीजिए तो 2x कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5/2 प्लस 1/2x इक्वल्स टू आ जाता है 1/3, क्लियर, जो कि हमें दिया है 2x से 2x कैंसिल। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो नजर आया x प्लस 1/2x, x ये रहा प्लस 1/2x ये रहा, इसका मीनिंग केवल इतना पार्ट की वैल्यू। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 × 5/2, इट मीन्स ये वाला पार्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 1/2x प्लस 5/2। अब यहां से 15/2 ये माइनस 5/2 इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 1/2x, इज दैट क्लियर। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2, यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है भाई 10/2, 10/2 इक्वल्स टू x प्लस 1/2x, तो आप कह सकते हैं तो x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 2 टाइम 5 टाइम्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ x इज इक्वल टू 6 प्लस 1/x एंड देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना आ जाता है 6। अब ज़रा ये एक फॉर्मूला ध्यान से देखिए, x माइनस 1/x यदि a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2, और यदि मुझे x की पावर 4 फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो हम यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं वो कैसे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए तो पावर 4 मिल जाएगा। तो केवल मुझे ये दो स्टेप और चल रहे हैं, तो ये हमें दिया है तो डायरेक्ट मैं फाइंड करूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स 38। अब यहाँ से पावर 4 फाइंड करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है, तो मुझे करना होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है मुझे 38 मिली, तो 38 का स्क्वायर और माइनस टू, और 38 का स्क्वायर इट मीन्स 1444 माइनस टू, तो आंसर आ जाता है 1442 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर और इसमें कहा है एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल पी जो है वो है 90 डिग्री का, एंगल पी है हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स ये एंगल पी हुआ, ये क्यू ले लेते हैं और ये आर है। फिर इसने कहा कि पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 है, पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी क्यू 8 है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 6 ये 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो 10 का 100 हुआ, तो इसका मीनिंग ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इसने कहा देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर इज, तो पी क्यू आर जो पी क्यू आर से जो सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का मीन्स है एक ऐसा सर्कल जो ट्रेंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाए, तीनों वर्टेक्स से होकर जाए, तो कुछ ऐसा सर्कल जो मैंने अभी बनाया है, ड्रॉ किया है, तो इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। अब राइट एंगल ट्रेंगल में सर्कम सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। सिंपल सी बात है कि राइट एंगल ट्रेंगल में जो सर्कम सेंटर होता है, इट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर, और पूरा जो हाइपोटेन्यूज आया वो 10 का है, तो आधा कितना होगा, यही तो इस सर्कल की रेडियस होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे सर्कम रेडियस, तो ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, भाई पूरा 10 का है तो आधा कितने का होगा 5 का, तो सर्कम रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, इट मींस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है मीडियन इज एडी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका मीडियन क्या है, एडी इज द मीडियन, ए बी सी AD क्या है इसका मीडियन, मीडियन होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये कहलाता है मीडियन, ये AD क्या है, मीडियन है। अब यहां पर हम तीन मीडियन बना सकते हैं टोटल, एक दूसरा मीडियन ये हुआ, एक तीसरा मीडियन ये हुआ, क्लियर। अब इसने कहा वो इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, वो जो कि सेंट्रोइड है, जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 की रेशियो बांटता है, इट मीन्स यहाँ पर AO इज टू OD जो होगा वो होगा 2:1, AO हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, AO की लेंथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है लेंथ OD, OD की लेंथ क्या होगी, जब इनमें 2:1 का रेशियो है तो इसका मीनिंग जो OD होगी वो AO की क्या होगी, हाफ होगी, तो OD की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है इफ एक्स इज इक्वल टू ए sec अल्फा cos बीटा, क्लियर, एंड वाई इक्वल टू दिया है बी sec अल्फा sin बीटा और जेड इक्वल टू दिया है सी tan अल्फा, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर देखो वो टर्म क्या है, x बाई ए का स्क्वायर है, यहाँ पर y बाई बी का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर z बाई सी, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x बाई ए, तो x by a क्या आएगा, x by a हमें मिलेगा sec alpha cos beta, इसी तरह y by b जो हमें मिलेगा वो मिलेगा sec alpha sin beta, इसी तरह z by c जो हमें मिलेगा वो होगा tan alpha, क्लियर। अब यहां से इनका स्क्वायर है तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पहले x बाई ए का जो स्क्वायर है, x बाई ए की वैल्यू है sec अल्फा cos बीटा, तो इसका स्क्वायर है तो यहां पर आएगा sec स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा प्लस y बाई बी की वैल्यू है sec अल्फा sin बीटा, तो इसका मीनिंग sec स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस जेड बाई सी, इट मीन्स टेन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा पूरा हुआ। अब इन दोनों पार्ट में से, इसमें से और इसमें से हमें जो कॉमन मिल रहा है वो है सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन आया,
तो sec स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा अंदर प्लस sin स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। तो sec स्क्वायर अल्फा माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास केवल बचता है sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1। तो आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर सोचो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका मीनिंग जो हमें जो वैल्यू पुट कर रहे हैं केवल ऊपर वाले पार्ट की हमें, क्योंकि नीचे वाले पार्ट की वैल्यू जो हो गई है वो 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका स्क्वायर हम करते हैं तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो आपको यहां से मिलता है 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। तो आपको यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 55/12 इज द आंसर, 55/12 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज द, हमें दिया है प्रोडक्शन, दिया है परफ्यूम की प्रोडक्शन दी है, डिफरेंट रोज परफ्यूम, सैंडल और जैस्मिन और अदर परफ्यूम्स हैं उनका हमें दिया हुआ है। बार में हमें इनका जो डिवाइड किया गया है, बार में हमें दिया गया है डायग्राम में, तो हमें इससे पूछे हुए क्वेश्चन को आंसर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ रोज परफ्यूम ड्यूरिंग 1995 टू द ड्यूरिंग ईयर 1997। तो सबसे पहले आप समझिए कि रोज 1995 में कितना है। देखिए ये वाला पार्ट रोज वाले रोज परफ्यूम को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पार्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 55 और 55 से लेकर 100, इट मीन्स टोटल कितना हुआ 55 से लेकर 100, इट मीन्स टोटल कितना हुआ 45। इट मीन्स ये वाला पार्ट हमें माइनस करना होगा, 100 में से 55 माइनस करेंगे तो इसका मीनिंग 45। तो 45% किस में है, 1995 में रोज है, रोज परफ्यूम है अपॉन में। यहाँ पर 1997 में रोज कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ तक 70 है और 100 में से 70 माइनस करेंगे तो इट मीन्स 30। तो इसका मीनिंग 1997 में 30 है, 30% है। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाता है 3:2। तो इसका मीनिंग यहाँ पर रेशो होगा 3:2 का रेशो होगा, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सैंडल परफ्यूम ड्यूरिंग द ईयर 1995 ओवर दैट ड्यूरिंग 1997। इट मीन्स 1995 में जो सैंडल परफ्यूम है उसका, वो 1997 में सैंडल परफ्यूम का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1995 में सैंडल परफ्यूम कितना है। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है 35, वो यहाँ पर है 55, तो 35 से 55 इट मीन्स 20%। ये तो 1995 में आया। इसी तरह 1997 में भी देखिए यहाँ पर ये है 50 और यहाँ पर है 70, तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी 20। तो 20/20 × 100, तो ये क्या हुआ, 100% हुआ। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ जैस्मिन परफ्यूम इन द ईयर 1997 गिवन द ड्यूरिंग द ईयर 1997 टोटल परफ्यूम प्रोडक्शन वाज 5000 यूनिट। अब यहां पर देखिए 1997 में जैस्मिन परफ्यूम की बात कर रहा है, जैस्मिन इट मींस जो ये ब्लैंक वाला पार्ट है, ब्लैंक वाला पार्ट देखिए 20 से लेकर कहां तक है 50 तक, इट मींस टोटल का कितना परसेंट है 30%। टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका 30% 1997 में जैस्मिन परफ्यूम हुआ है। तो टोटल हमारे पास प्रोडक्शन हुआ था 5000 यूनिट, तो 5000 का 30% आपको फाइंड करना है। तो 5000 का 30% यदि मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 1500 यूनिट्स।
तो जो जैस्मिन है परफ्यूम है वो टोटल का टोटल 1500 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4।